इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही लड़ाई का अंत कब होगा, कैसे होगा, किसी को नहीं मालूम। बस पूरे विश्व भर में इस बात को लेकर चिंता बनी हुई है, माथा पच्ची चल रही है कि कौन रोके और कैसे रोके। कई देश इसराइल को समझाने बुझाने में लगे हैं, तो कई देश फिलिस्तीन के समर्थन में हैं। डर इस बात का भी है कि कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध का कारण न बन जाए। ऐसे में पूरा विश्व मूक दर्शक बने नहीं रह सकता, सब कुछ ऐसे ही नहीं देख सकता। फिलहाल तो चिंतन मनन और अपील कर रहे हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की आपातकाल बैठक बुलाई गई और इस मामले में भारत ने भी अपनी बात रखी। और सुनिए कि क्या कहा संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने कहा, हम दोनों पक्षों से अत्यधिक संयम दिखाने, तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाइयों से बचने और पूर्वी यरूशलम और उसके आसपास सहित मौजूदा यथास्थिति को एक तरफा रूप से बदलने के प्रयासों से दूर रहने का आग्रह करते हैं। TS त्रिमूर्ति ने आगे कहा, इस रॉकेट फायरिंग में भारत ने भी इसराइल में एक भारतीय नागरिक को खो दिया। हम अन्य सभी नागरिकों के साथ उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हिंसा, उकसावे और विनाश के वर्तमान चक्र में अपनी जान गंवाई है। उन्होंने आगे कहा, गाजा में इसराइल में नागरिक आबादी को लक्षित कर अंधाधुंध रॉकेट फायरिंग की जा रही है, जिसकी हम निंदा करते हैं। गाजा में जवाबी हमले से भारी नुकसान हुआ है और इसके परिणाम स्वरूप महिलाओं और बच्चों सहित कई मौतें हुई हैं। भारत ही नहीं, पूरा विश्व अब इस कोशिश में लगा है कि दोनों देश एक टेबल पर आकर बातचीत करें और मामले को सुलझाएं और इस गहमा गहमी का अंत हो। लेकिन इसराइल ने अपना सख्त रुख अख्तियार कर रखा है। इसराइल को देखकर लगता है कि वो इस बार आतंकियों को ऐसी चोट देगा जिसे भर पाना बड़ा ही मुश्किल साबित होगा, और इस रुख ने ही पूरे विश्व को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।